जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश महा काली महाकाली काली के पापहारणी धर्मार्थ मोक्ष दे देवी नारायणी नमुस्त जय जय मा काली आज मां भगवती के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा मंत्र मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं बहुत पावरफुल मंत्र है और बिल्कुल इसको गृहस्थ भी कर सकते हैं घर में भी कर सकते हैं तांत्रिक भी कर सकते हैं औगढ़ भी कर सकते हैं मैं पूरी विधि के साथ आज आपको एक बहुत बहुत अच्छा मंत्र दे रहा हूं माँ भगवती काली का अभी क्या है कि बहुत लोग पूछते हैं क्या बिना गुरु के भी हम साधना कर सकते हैं कर सकते हो बिना गुरु के बिल्कुल साधना होती है लेकिन उस साधना का तरीका विधि अलग होगा ठीक है मैंने हमेशा कहा है कि गुरु होना बहुत अनिवार्य होता है साधना, में। गुरु होने से जो रिस्क फैक्टर्स है साधना का वो कवर हो जाता है गुरु एक छत्र छाया की तरह होता है अगर कोई गलती हो गई कोई शक्ति आपसे नाराज हो जाती है साधना के प्रति या कुछ भी अटैक होता है तो गुरु बैठ के देखते रहता देखो अगर आपको किसी ने सीधा मंत्र दिया है ठीक है तो इस जिस व्यक्ति ने भी आपको मंत्र दिया और ये बात आप भी समझ लो कि अगर आप कहीं से पढ़ के कहीं मंत्र दे रहे हो किसी को तो उस मंत्र के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल होते हो ठीक है अगर आपने किसी को डायरेक्ट बोल दिया तुम ये मंत्र कर लो इसका मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो देखो जब कोई भी 108 का मन का जपता है ना तो उसमें सौ जाप उसके लिए होता है आठ उसके लिए होता है जिसने वो मंत्र दिया हो मतलब गुरु के लिए ठीक है तो सही हो या गलत हो अगर कोई जाप कर रहा है तो उसके लिए गुरु भी जिम्मेदार होता है आज के विषय पे आते हैं कि अगर हमें साधना करनी है हमारे पास गुरु नहीं है और हमको काली में ही रमना है तो हम क्या करें तो देखो काली का तो इतना मंत्र है कि मतलब जिसकी गिनती नहीं है असंख्य मंत्र है साबर में भी बहुत मंत्र है हम लोगों का भी मंत्र है हम लोग या फिर आप साबर की किताबों में भी मंत्र देखोगे ओम सिंघो दत्तो बिकोवा एक ही मंत्र है पांच किताबों में पांच तरीके से उसको सिद्ध करने की विधि दी हुई है ठीक है मैं ठीक है ज़्यादा बोलता हूँ मुझे पता है अब क्या है कि जब हमें काली की साधना करनी है तो किसी भी चीज को करने का एक तरीका होता है मैं आपको आज के आज ऐसी साधना दे दूं कि आपके सामने काली प्रत्यक्ष हो जाए तो आपका क्या होगा आप समझो किसी भी बीमारी में स्पिरिचुअलिटी भी एक बीमारी है एक नशा है तो किसी आपको अगर सर दर्द होता है तो सबसे पहले आप आ, सर में बाम लगाते हो फिर आप डिस्प्रिन खाते हो फिर आप ब्रूफेन खाते हो फिर आप मतलब अलग अलग लेवल्स के मेडिसिन लेते हो अलग अलग उपचार कराते हो जब वो ठीक नहीं होता ठीक है स्पिरिचुअलिटी में ठीक उल्टा है अगर इसको आप को खुद पे चढ़ाना है तो लोएस्ट लेवल से आपको शुरू करना होगा ठीक है चढ़ाने के लिए और हाईएस्ट लेवल तक जाना होगा मैं आज आपको एक मंत्र बताऊंगा मंत्र माँ काली का है और बहुत सारे अघोरियों का ये ही एक मंत्र है जिससे वो सारे काम करते हैं मतलब कहते हैं कि इस मंत्र को कर लिया सिद्ध तो सब पार अच्छा इस मंत्र का खासियत क्या है ये उग्र नहीं है उग्र है लेकिन अगर आपको आए इसका उग्र प्रयोग करना तो जैसे कि आप बोले ये कैसे होता है ना जी तो ये ऐसे होता है कि जैसे हमारा महामृत्युंजय मंत्र है ठीक है तो एक मृत्युंजय आप लोग सब जानते हैं उसी में बीज लग जाता है तो वो महामृत्युंजय मंत्र हो जाता है तो महामृत्युंजय जीवन रक्षा के लिए होता है लेकिन उसी का एक उग्र विधि है जिसमें मसान में महामृत्युंजय का जाप किया जाता है और मसान में जब आप महामृत्युंजय का जा जाप करते हैं और एक विशेष सामग्री से अगर आप शिवलिंग बनाते हैं 108 जाप करते हुए तो फिर वो मारन प्रयोग होता है ठीक है तो एक महामृत्युंजय जिसको आपको मृत्यु से बचाने के लिए दिया गया है उसी महामृत्युंजय का प्रयोग उग्र भी होता है मतलब तो मारन तक के लिए होता है जो तो हाईएस्ट लेवल है महामृत्युंजय का प्रयोग का वैसे ही मैं आपको एक आज मंत्र देने वाला हूं ये जैसे महादेव का महामृत्युंजय महामंत्र है वैसे ही भगवती का ये महामंत्र है ये मंत्र आपने आज तक नहीं सुना होगा अगर आपने सुना है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं ये मंत्र मैं अभी आपको इसलिए दे रहा हूं कि चाहे तो आप होली को शुरू करो पैंतालीस इस दिन इसको जापना एक माला कम से कम ग्यारह माला आ, मतलब एक माला सुबह में ग्यारह माला रात में ठीक है जब आप सुबह जपोगे तो इसको रुद्राक्ष से जपोगे और जब आप रात में जपो, जपोगे तो स्पेटिक से जपोगे रात में कभी भी रुद्राक्ष का माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए सूर्यास्त के बाद ये भी आज सीख लो तो मंत्र सुनो तीन बार मैं आप लोगों को मंत्र बता रहा हूं मंत्र है ओम 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 मा 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 क्रीम 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 मा 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 ओम 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 फिर से सुनो ओम 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 मा 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 क्रीम 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 मा 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 ओम 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 अंतिम बार ओम 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 मा मा मा, मा मा मा, क्रीम क्रीम क्रीम, ओम मा, 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 ओम ओम। इसका विधि क्या है इसका विधि है कि सुबह आप भगवती की पूजा करोगे अनिवार्य अगले पैंतालीस दिन तक ठीक है होली से शुरू करना है या फिर अभी नवरात्र आ रहे है अगला महीने से जो नवरात्र अगले महीने से उसमें आप शुरू करना है इसको शुरू करना तो पैंतालीस दिन में बीच में ब्रेक नहीं होगा नहीं तो पेंसिलिन जैसा फिर से इंजेक्शन लेना पड़ेगा एक से एक दिन से फिर आपका ये शुरू होगा तो आप इसको चाहे तो पूर्ण रूप से सात्विक करोगे या पूर्ण रूप से आप वाम मार्ग करो दोनों मंत्र दोनों तरीके से इसकी सिद्धि होती है लेकिन मैं बोलूंगा वाम मार्ग से करो सुबह एक सौ आठ माला रुद्राक्ष से जापना रात में ग्यारह माला स्पैटिक से जापना या हकीक से जापना ठीक है और भगवती का पूजा करके उनको नवेद चढ़ाना और जब पैतालीस दिन होंगे तो दशांश हवन इसका स्मशान में होगा अस्मशान में हवन होगा तिल लौंग और गुगुल से ठीक है उसके बाद कारण भी चढ़ाना कारण मतलब शराब होता है जो लोग पूछते हैं ठीक है थीके? आज जो ये मंत्र दिया है सुन के तो लगा होगा कि अरे नाथ जी ने तो बहुत हल्का मंत्र दे दिया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र है और ये एक ऐसा मंत्र है जो मैंने प्रयोग कर रखा है ठीक है ये एक मंत्र है जो कि आपको सब कुछ देगा जिसको भगवती को देखना है वो संकल्प करके बैठे देवी मुझे आपको देखना भी है जिसको नहीं देखना है उसको बोलना है कि भगवती मैं संकल्प कर रहा हूँ ये पैंतालीस दिन तक जाप करूँगा आप मेरे साथ हमेशा रहें ठीक है भगवती माँ आप काली के रूप में, में मेरे साथ रहें ठीक है भगवती आप लक्ष्मी के रूप में मेरे साथ रहे ये आपको संकल्प करना ये है ये मंत्र मूल रूप से काली माँ का है ठीक है तो अघोर पंथ में जब पहला आप शुरुआत कर रहे हैं तो इससे बढ़िया मंत्र काली के लिए नहीं है अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आज के लिए इतना ही बहुत डिमांड है कि आ, मोहिनी का एक मंत्र दें मोहिनी मोहिनी मंत्र नहीं मोहिनी परी का मंत्र दें बहुत लोगों ने लिखा है कि आप मोहिनी का मंत्र देखो मोहिनी का मंत्र वैसा नहीं है मोहिनी परी का मंत्र देता हो ऐसा मंत्र कि साक्षात मोहिनी परी सामने खड़ी हो गया तब देखेंगे कि आपका आपकी जो अभी चुलबुलाहट है वो कितनी रहती है तो मोहिनी परी का एक मंत्र है जिसके लिए बहुत ज्यादा लोगों ने बोला है इसके अलावा देखो आप लोग लिखते हो कि आप रुद्राभिषेक गुरुजी गुरु जी रुद्राभिषेक का विधि बताओ ये सब पंडितों से पूछा करो ठीक है मैं नवरात्र से पहले आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे मंत्र हैं जिसके बिना मतलब जिसको रोज आपको भगवती को नमस्कार करते टाइम पढ़ना चाहिए काली का एक और मंत्र दूंगा मैं आपको नवरात्र से पहले ही ठीक है इतना ही आज के लिए आ, मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप लोग जो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल और मैसेज करते हैं मैं डिलीट कर दूंगा व्हाट्सएप और कॉल व्हाट्सएप क्योंकि मैंने उसको बहुत बार आप लोगों को क्लियर बोला है कि व्हाट्सएप सिर्फ बहुत इमरजेंसी हो तो मुझे मैसेज आप लोग किया करें नहीं तो कॉल मी फॉर ऐप से आ, मुझे आप लोग कॉल करें ठीक है अगर ये कंटिन्यू रहा मेरे पास ऑन एन एवरेज पचास से साठ मैसेज आते ही रहते हैं मैं व्हाट्सअप उड़ा दूंगा तो फिर आप लोगों को इमरजेंसी भी होगी तो मुझसे बात नहीं कर पाइएगा आज के लिए इतना ही आप सभी को आदेश आदेश आप लोग कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए रूतनाथ सर्च करके मुझे फ़ोन कीजिए उस पर रुद्रनाथ एक और प्रोफाइल है रुद्र वो किसी और क्या है वो मैं नहीं हूँ रुद्रनाथ मी फॉर ऐप पे आप सर्च करेंगे तो उसमें मैं हूँ इसके अलावा आप मेरी किताब जो है हैंडबुक फॉर नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वो एमेज़ोन पर ख़रीद के पढ़ सकते हैं आज के लिए इतना ही आप सभी को अलग आदेश माँ कालिका आप लोगों पर कृपा पर साथ आदेश, आदेश।